कक्षा 12 के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। महादेवी वर्मा कृत भक्ति नामक अध्याय को दोहराने हेतु हम पुनः उसकी व्याख्या करेंगे। आप लोग ध्यान दें और उस व्याख्या को समझने की पूरी कोशिश करें। भक्तिन शीर्षक सार्थक है क्योंकि भक्तिन का ये जो नाम है, ये जो शीर्षक है, वह मुख्य पात्र है भक्तिन, और भक्तिन के ही इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। भक्तिन का ही सारा चरित्र, भक्तिन के ही जीवन की सारी घटनाएं, महादेव वर्मा से भक्तिन का मिलना, महादेव वर्मा पर भक्तिन का प्रभाव पड़ना, इन सारी चीज़ों का पूरी कहानी में जिक्र किया गया है। भक्तिन कैसी है तो कहा छोटे कद वाली है, दुबली शरीर वाली है, होंठ पतले हैं, ऐसा लगता है जैसे दृढ़ संकल्प उसके होंठों में है। आँखें छोटी हैं लेकिन समझदारी बहुत अच्छी है। जब पहले पहले दिन महादेव वर्मा के पास उपस्थित हुई, तब से लेकर आज तक बहुत समय बीत चुका है। इसको कहने के लिए उन्होंने कहा एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु यानी जानने का इच्छुक उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है कि कितने दिन से यहाँ रहती हो, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी माने दाढ़ी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस से संघ रहित हैं। अब वो 50 गिनती को समझती तो है नहीं, बस 50 एक याद है गिनती तो बोल देती है, कहती है 50 साल हो गया रहते रहते संघ। इस हिसाब से मैं 75 वर्ष के उम्र वाली हो जाती हूँ, यानी महादेव वर्मा अगर सच में वो 50 वर्ष से रह रही होती भक्तिन, तो महादेवी वर्मा की उम्र 75 हो जाती और वह 100 वर्ष की असंभव आयु को भी पार कर जाती, और वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी है। तो उसकी उम्र अगर सच में वो 50 साल से रहती होती तो उस बुढ़िया यानी उस भक्तिन की उम्र जो है 100 साल की, जो उम्र असंभव होती है, बहुत कम लोगों को मिलती है, ऐसी उम्र को भी पार कर जाती, यानी उसको गिनती का पता नहीं, कुछ भी बोल देती है। 50 पता है तो बोलती 50 साल से रहते हैं, इसका भक्तिन को पता नहीं है। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। अगर उसको पता भी होता कि 50 साल का क्या मतलब है, कैसे है, तो भी वो ये नहीं चाहती है कि मेरे साथ बिताए गए समय को वो थोड़ा सा भी कम करे, ऐसा वह कदापि नहीं चाहती। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर माने लंबा बढ़ाकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। अगर कोई पूछेगा कितने साल से रहती हो तो बताएगी 100 साल से रहते हैं, जबकि ये उस हिसाब से महादेवी वर्मा की उम्र 150 वर्ष की हो जाएगी। लेकिन इसका उसको कोई चिंता नहीं है, इसके बारे में समझती ही नहीं तो चिंता क्या करेगी। और लेकिन बोलती वही सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या। कहा हनुमान जी से कम श्रद्धा नहीं उसके मन में मेरे प्रति, जैसे हनुमान जी राम के प्रति एकदम बिल्कुल समर्पित थे, 100% समर्पित थे, इतना समर्पण कोई और नहीं कर सकता। भक्तिन भी मेरे प्रति ऐसी समर्पित थी कि उसकी तुलना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे हनुमान जी अंजना के पुत्र थे लेकिन भक्तिन अंजना की पुत्री नहीं थी, वो एक गोपालक गाय चरवाहे गाय रखने वाले की ही पुत्री थी। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, नाम उसका लक्ष्मीन है जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, जैसे मेरा नाम महादेवी है, महादेवी का मतलब बहुत अधिक प्यार सम्मान पाने वाली महिला, लेकिन मुझे जिंदगी में प्यार और सम्मान नहीं मिला, तो वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बसी। कपाल की कुंचित रेखा मतलब भाग्य रेखा, वैसे भक्तिन का नाम लक्ष्मी है लेकिन वास्तव में लक्ष्मी उसके जीवन में नहीं रही, धन संपत्ति सुख समृद्धि उसके जीवन में नहीं रही। जैसे मेरे जीवन में महादेवी जैसा मान सम्मान नहीं मिल पाया, वैसे उसको भी भक्तिन यानी लक्ष्मी जैसी कोई चीज़ उनके जीवन में बहुत अधिक नहीं रही, या बिल्कुल भी कम रही। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, ऐसा महादेव वर्मा का मानना है कि नाम जैसा होगा उसका विरोध लेकर जीना पड़ेगा। नाम सत्य प्रकाश जिंदगी भर झूठे बोलेंगे, नाम राजकुमार पता चलेगा वो किसी के यहाँ जा कर के 2-4 हज़ार पे नौकरी कर रहे होंगे तो इसको कहेंगे नाम का विरोधाभास। नाम लड्डू प्रसाद ऐसी बात बोले कि जिसे मिर्चे जैसी लग जाती है, हुआ नाम का विरोधाभास। तो पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं, किसी को कहती नहीं मेरा नाम लक्ष्मी, नहीं तो लोग चिढ़ाएंगे माँ कि करने को नौकरी, वो भी घर में झाड़ू पोछा इत्यादि की,
दाई की और नाम है लक्ष्मी, साक्षात धन की देवी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ, मतलब अपनी सारी कहानी के साथ यह भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी भी इस नाम का उपयोग न करूं यह भी बोला था। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। अगर मुझे अपना नाम बदलने की प्रतिभा होती ये या ऐसी कोई मेरी क्वालिटी होती तो मैं सबसे पहले अपना ही नाम बदलती, महादेवी की जगह कुछ और रख लेती। तो मैंने उसका उपनाम नहीं रखा। तो इस तथ्य को देहातीन क्या जाने, मतलब इस ये जो मेरी कमजोरी है इसको देहातीन नहीं जानेगी। इसी से जब मैंने कंठी माला देख कर उसका नामकरण किया, कंठी माला पहनी हुई थी तो नामकरण कर दिया, एक नया नाम दे दिया भक्तिन। जैसे कवित्वहीन नाम पाकर भी गदगद हो गई, कवित भक्तिन का कोई विशेष अर्थ नहीं बैठ रहा था उसके साथ, फिर भी वो उस नाम को पाके बड़ी खुश हुई कि मालिक ने नाम दिया, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है। जो भी भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णता के अंशतः समझना भी कठिन होगा। जब तक भक्तिन की पूरी कहानी आप नहीं जानोगे तब तक उसके बारे में पूरा जानना तो दूर, उसके स्वभाव के बारे में पूरा जानना तो दूर, उसका एक भी प्रतिशत आप नहीं जान पाओगे, यही कहने का भाव है। वह है ऐतिहासिक झूंसी में जो गांव प्रसिद्ध है, एक सूरमा मतलब बहादुर जो गोपालक था उसकी इकलौती बेटी है, और केवल इकलौती बेटी नहीं बल्कि विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है, अर्थात सौतेली माँ ने ही इसका पालन पोषण किया है, अपनी माँ मर गई थी इसलिए। 5 वर्ष की वय में यानी 5 साल की उम्र की थी वो बिचारी, उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। अब पिता इतना विचित्र था कि 5 साल की लड़की को हड़िया गांव था उसका एक धन संपन्न व्यक्ति, वो भी गोपालक था, उसकी सबसे छोटे पुत्र की पत्नी यानी छोटी पुत्रवधू बना दिया। ऐसा लगता था शास्त्र में जितनी कम उम्र में विवाह करने का की बात लिखी गई है उससे भी 2 कदम और आगे बढ़ के उसने अपनी बेटी को विवाहित कर दिया। फिर क्या हुआ, एक और कमाल हो गया, ये सारा कुछ जीवन में उल्टा ही घट रहा। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। और जो सौतेली माँ थी उसने एक काम किया कि जैसे ही भक्ति 9 साल की हुई, 9 वर्ष की युवती, सोचो 9 वर्ष की युवती कहना भी व्यंग्य है क्योंकि 9 वर्ष की बालिका को युवती नहीं कहा जा सकता, वो तो बेचारी अभी किशोरावस्था में भी नहीं है, और युवावस्था तो किशोरावस्था के बाद होती है, ये बाल्यावस्था है। लेकिन उस सौतेली माँ ने उस 9 वर्ष की बालिका को युवती के हिसाब से उसका गौना दे दिया, यानी उसको उसके ससुरे में विदाई कर दी, ससुराल में विदा करके भेज दिया। ऐसा लगा जैसे कोई महाजन किसी को उधार दिया हो, आज जिसको उधार दिया हो बिना मांगे ही वो लौटा दे तो महाजन भी खुश हुआ, स्वयं भी बड़ा गदगद अनुभव करेगा, वैसे ही मानो उस भक्तिन की माँ ने भी स्वयं को प्रसन्न पाया, लगता था जैसे बहुत बड़ा पुण्य लूट लिया है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क भी माता ने उनके मरण तक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। पिता भक्तिन को बहुत प्रेम करता था, इसलिए भक्तिन की सौतेली माँ भक्तिन से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, ईर्ष्या करती थी, और अपनी धन संपत्ति की रक्षा में बड़ी ही सचेत थी। कौन भक्तिन की सौतेली माँ, इसलिए जब भक्तिन के पिता मर गए तो सूचना नहीं दी भक्तिन को, बल्कि भक्तिन के पिता के बीमारी की सूचना भक्तिन की सौतेली माता ने तब दी जब वो मर भी गया था, उसके बाद सूचना दी कि पिता तुम्हारा बीमार और बहुत बीमार, जल्दी चले आओ नहीं मर जाएगा। तो रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए, और भक्तिन की सास और कमाल की निकली, उसने सोचा अगर बता देंगे कि तुम्हारा पिता बहुत मरणासन्न कंडीशन में है तो वो यहीं रोने लगेगी तो हमारे घर पर अपशगुन होगा, सोचिए इतने गंदे लोग भी होते हैं। तो इससे बचने के लिए सास ने उससे कुछ नहीं बताया, बल्कि ये कह दिया कि बहुत दिन से नैहर नहीं गई है, सो जाकर देखा, जाओ मायके चली जाओ। ससुराल वाले अपने मन से मायके भेज दें बहुत बड़ी बात है, कुछ न कुछ दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली लगता है। तो वो कह रहे नहीं नहीं बहुत दिन से नैहर नहीं गई हो, मायके नहीं गई हो, जाओ जरा अपने
पिता माता घर बार सब कुछ देखाओ, अच्छा रहेगा। यही कहकर और गहन पहना ओढ़ा कर, मतलब कपड़ा लत्ता पहना कर, सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। अप्रत्याशित मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा व्यवहार कोई कर दे तो उसको कहेंगे अप्रत्याशित। तो सास ने जो व्यवहार किया वो व्यवहार है असंभव सा था, और वो असंभव सा व्यवहार है किसी भी भांति इसको बड़ा अच्छा लगा, और लगा पैरों में पंख वो लग गए हैं। बड़े जल्दी जल्दी फटाफट वो मायके की तरफ बढ़ने लगी। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, लेकिन पैरों में जो पंख लगे थे, पैरों में जो गति थी बड़ी तेज़ी से जा रही थी, वो सारी तेज़ी खत्म हो गई जब अपने गांव के पास पहुंची। तो क्यों? क्योंकि हर कोई पूछता था, हाय लक्ष्मी न अब आई, अरे लक्ष्मी इतना विलम्ब करके आई। अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गईं। बड़ी सहानुभूति से लोग देखे और अपने बात का अर्थ नहीं बताते हुए लोग यही पूछते थे कि अरे भक्तिन अब आई, अब तक नहीं आ पा रही थी। तो ऐसा लोग कहते थे जिस बात को सुन सुन के परेशान होती हुई भक्तिन अपने घर तक किसी तरह पहुंची गई। वहाँ न पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, मतलब पिता की लाश भी नहीं थी, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश। विमाता जो थी वो शिष्टाचार भी नहीं दिखाई, कि थोड़ा सा दुखी थी तो सहानुभूति ही दिखा दी थी, ऐसा भी नहीं किया। पिता का सब कुछ खत्म हो चुका था, क्रियाकर्म सब कुछ, तब बेचारी पहुंच पाई। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। विमाता से झगड़ा करने का क्या मतलब, पिता भी नहीं रह गया, ससुराल लौट पड़ी। अब ससुराल में जो लोग हैं इसको अपने से लगे, अपनों के ऊपर सारा गुस्सा उड़ेल रही है। तो सास को खरी खोटी सुनाया, विमाता पर आया हो गुस्सा शांत कर लिया। भाई एक का गुस्सा दूसरे पर उतर जाता प्रायः, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसे पिता के चिर विरोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। सारा गहना उतार के पति को फेंक फेंक के मारी उसी से, ताकि अपना क्रोध कुछ शांत कर ले। फिर क्या हुआ भाई, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूँ रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण और कर डाले, मतलब गोरी नहीं थी बच्चियाँ, गेहूँ कलर थी, हर की साफ थी, काली भी नहीं थी तो गोरी भी नहीं थी। अब बटिया जैसे मुख वाली, मतलब मुख भी चेहरा भी बहुत सुंदर नहीं था, ऐसी वाली एक कन्या पहले जन्म ली, दो ठो और उसकी फोटोकॉपी, संस्करण माने दो ठो और वृत्ति या दोहराव हो जाना, यानी एक लड़की थी दो लड़की और पैदा हो गई, तीन तीन लड़कियाँ हो गई। अब ये भी उनके घर में समस्या हो गई, तीन लड़की को जन्म दे दी थी, उसका बहुत बड़ा अपराध है, उसको दंड दिया जाना चाहिए या परेशान करेंगे सब लोग मिलकर। सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की, इसका अपमान किया, उपेक्षा किया, उचित भी था। क्यों उचित था, माधवी वर्मा बताना चाहती हैं क्योंकि सास तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान। सास जो थी उसके तीन तीन बेटे ही जन्मे थे, बेटी थी नहीं, तो वो पुरखिन, बड़ी सम्मानित पुरखिन के पद पर वो बैठती थी या बैठ गई थी, पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। और दोनों जिठानियाँ काग भुसुंडी जैसे काले लालों को क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। और दोनों जो जेठानियों के दो दो बेटे थे, हालांकि कौवे से भी काले थे, कौवा जो होता उससे भी काले काले बच्चे थे, लेकिन फिर भी दो बेटे ही थे, इसलिए उनको बड़ा सम्मानित पद मिलने वाला था। सास के बाद वो दोनों ही पुरखिन बनेंगी, क्योंकि बेटे को जन्म दी हैं, बेटियाँ नहीं हैं उनके। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया, लेकिन ये भक्तिन जो है सबसे छोटी बहू है, इसने तीन तीन बेटी को ही जना है, बेटे इसको नहीं हुए हैं, इसलिए उसको दंडित होना चाहिए। यानी लोग परेशान करेंगे और क्या, दंडित माने फांसी थोड़ी चढ़ाएंगे, लेकिन ये जो नहीं होना चाहिए ऐसा उस घर में इसके साथ होना प्रारंभ हुआ। तो आइए इस वीडियो को यहीं तक, बाकी अगले भाग में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।